हेलो एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सबको 86 डेज के बाद में UER2 के बहादुरगढ़ स्पर की प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। तो 7.2 किलोमीटर लंबे बहादुरगढ़ स्पर की स्टार्टिंग होती है बापरोला के पास UER2 के पैकेज 2 से और एंडिंग होती है बहादुरगढ़ बाईपास पे जाके। और इसको NHAI के द्वारा बनवाया जा रहा है और इसके ऊपर दो कंपनी का जॉइंट वेंचर है। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट बहादुरगढ़ स्पर का। तो मुंडका की साइड से जो ट्रैफिक आएगा, जिसको बहादुरगढ़ के स्पर के ऊपर जाना होगा, उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे पियर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पियर्स को रेडी करने का काम किया जा रहा है, जो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टाइम की अपडेट ये थी। और यहाँ पे RE वॉल को रेडी करने का काम किया जा रहा है। तो साइड एंगल से देख सकते हो कितना काम हुआ है अभी। लास्ट टाइम की अपडेट ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ भी मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई है। और आगे की साइड में आ जाती है ये लोकल रोड, तो इसके ऊपर VUP का काम किया जाएगा। और उससे पहले यहाँ पे जो ड्रेन है उसके लिए स्ट्रक्चर रेडी करने का काम किया जा रहा है। लास्ट टाइम की अपडेट ये थी। तो देख सकते हो लास्ट टाइम स्ट्रक्चर को रेडी करने का काम स्टार्ट नहीं हुआ था। और इस रोड को क्रॉस करने के बाद में देख सकते हो थोड़ा सा आगे की साइड में DBM की लेयर का काम हो चुका है। तो लास्ट टाइम की अपडेट इस पॉइंट की ये थी। तो बहादुरगढ़ का ये स्पर 4 लेन का है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अभी यहाँ तक ही DBM की लेयर का काम हुआ है और राइट साइड में काफी आगे तक हो चुका है। तो राइट साइड में अभी यहां तक ही DBM का काम किया गया है। और यहां पे है ये ड्रेन। तो लास्ट टाइम इस ड्रेन को क्रॉस करने के बाद में इस वाले एरिया में काम पेंडिंग था, लेकिन इस बार देख सकते हो यहां पे काम कंप्लीट हो चुका है। तो इस साइड में भी DBM का काम ही किया गया है। और यहाँ पे नीचे की तरफ बनाया गया है स्मॉल VUP।
और यहाँ पे है एग्जिट और एंट्री पॉइंट। तो आगे की साइड में बनाया गया है वीओपी, तो उसकी अप्रोच रोड का काम देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है। लास्ट टाइम की अपडेट ये थी। और आगे की साइड में आने के बाद में देख सकते हो यहाँ पे वीयूपी के ऊपर काम पेंडिंग है। और यहाँ से आगे की तरफ इस पर एलिवेटेड ही रहेगा, तो यहाँ पे आरई वॉल का काम किया जा रहा है। और आगे की तरफ पियर्स को कनेक्ट कर दिया गया है। अभी फ्लोरिंग का काम पेंडिंग है। तो लास्ट टाइम की अपडेट ये थी। और ये आ जाती है नजफगढ़ बहादुरगढ़ रोड। तो इस रोड के ऊपर पियर्स को कनेक्ट करके फ्लोरिंग का काम हो चुका है, बस इस वाली साइड में पेंडिंग है। लास्ट टाइम की अपडेट इस पॉइंट की ये थी। और यहां से आगे की तरफ नीचे की सर्विस रोड और मेन कैरिज वे के ऊपर डीबीएम की लेयर का काम हो गया है। और अब आगे की साइड में आने के बाद में ये देख सकते हो यहाँ पे अप्रोच रोड के ऊपर डीबीएम की लेयर का काम हो चुका है। लास्ट टाइम की अपडेट इस पॉइंट की ये थी। और ये है बहादुरगढ़ बाईपास। तो बाईपास से पहले देख सकते हो पियर्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। लास्ट टाइम पियर्स को कनेक्ट नहीं किया गया था पूरी तरीके से। और बहादुरगढ़ की साइड से जो ट्रैफिक आएगा, जिसको स्पर के ऊपर जाना होगा, वो यहां से एंट्री लेगा। और आगे की साइड में दोनों तरफ के एलिवेटेड सेक्शन बन के रेडी हो चुके हैं। तो लास्ट टाइम इस साइड में फ्लोरिंग का काम कंप्लीट नहीं हुआ था। और इस बार देख सकते हो दोनों साइड की अप्रोच रोड बन के रेडी हो चुकी हैं। बस इस साइड की अप्रोच रोड के ऊपर यहां पे काम थोड़ा पेंडिंग है। ओके, तो इस स्पर के ऊपर टीम ने लास्ट 86 डेज में काफी अच्छी स्पीड से काम किया है। अगर इसी स्पीड से काम किया जाएगा तो ये स्पर अगले 3 से 4 महीने में बन के रेडी हो जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आप लोगों को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।